से जीवन साथी या नजदीकी मित्र आज आपसे नाराज या संतुष्ट रह सकते हैं। व्यावसायिक जीवन में अतिव्यस्तता की वजह से चाहते हुए भी नजदीकी लोगों को आप ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से परिवार में तनाव का वातावरण बन सकता है। कारकर्दगी के साथ साथ पारिवारिक जीवन को भी उतना ही महत्व दें। नियमित रूप से परिवार को बिताने की कोशिश करें। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में दिन आपके पक्ष में रहेगा। आपकी कारकर्दगी को सुदृढ़ बनाने वाले महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों की आय में वृद्धि और प्रमोशन से जुड़ी हुई गतिविधियाँ आज सही हो सकती है। सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को आज मूलधार ट्रांसफर हो सकता है या इससे जुड़ी हुई सकारात्मक गतिविधियाँ आज हो सकती है। व्यवसाय के क्षेत्र में नौ दिनों से रुका हुआ धन पुनः प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। व्यवसायिक सहयोगियों के सरकार के द्वारा कोई नई योजना भी शुरू हो सकती है। आज आपके द्वारा महत्वपूर्ण आर्थिक निवेश हो सकता है। शेयर बाजार में निवेश के लिए दिन अनुकूल और सकारात्मक है। आज निवेश करने से आपको धन लाभ और ऐसी संभावना ज्यादा है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ निवेश करें। पारिवारिक जीवन समीकरण से अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। पारिवारिक समस्याएं सुलझाने के लिए आज आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे और ज्यादातर आप उसमें सफल भी रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन ज्यादातर मुद्दों पर अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। शिक्षा से जुड़े हुए कार्य में विद्यार्थी वर्ग दिन के ज्यादातर समय व्यस्त रहेंगे। कुछ निजी और महत्वपूर्ण कार्य इस वजह से निलंबित रह सकते हैं। महिला वर्ग के लिए दिन सभी तरह से अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। पिछले दिनों के मुकाबले स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। छोटे हुए अधूरे कार्य पूरे होंगे। घरेलू जिम्मेदारियां निभाने में महिलाएं दिन के ज्यादातर समय व्यस्त रहेंगी। बुजुर्गों के लिए भी दिन लाभदायक साबित होगा। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज